यहाँ पे एफआर के डन की ओपी यहाँ पे ऑफ गार्ड पाते हुए, एंड यहाँ पे ओवेस ने एक बार फिर से नॉकडाउन करा है, और नीचे फ्रैग राज ओपी भी है सामने, एंड एक ग्रेनेड मेरे का अगर पुल करे तो पूरा स्क्वाड की किल्स इनको मिल सकती है वापस से। यहाँ पे एक और प्लेयर उनको स्पॉट हो जाएगा और किसी भी सेकंड उसको इंस्टेंटली पनिश कर सकते हैं, बट वो रिच का एक अच्छा सपोर्ट मिल गया कि वो आराम से बच पाए, बट वो नॉकआउट था ना M16 जो टैप किया था, इट वॉज क्रेज ब्यूटीफुल। अब टीम नंबर IM वर्सेस टीम फनाटिक हो रहा है, दो प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। इट्स कैन बी अ कंप्लीट डिजास्टर बिकॉज यहाँ पे अगर स्काउट ने कुछ परफॉर्म नहीं करा मुश्किल होगा, बट स्काउट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बैक टू बैक ओवेस यहाँ नॉकआउट किया जेरफ को, और वहीं पर अब स्काउट भी नॉकआउट हो चुका है, ओवेस पे काफी ज्यादा प्रेशर होगा। अब अकेले मेरे ख्याल से कौन सा प्लेयर यहाँ पे ओवेस बचे, ओवेस शायद रोनो को रिवाइव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्काउट ने यहाँ पे दो नॉक करे, विच वॉज समथिंग ब्यूटीफुल टू वॉच, बट कोई कवर फायर देखने को नहीं मिला जब उसके ऊपर तीसरा बंदा आया। यहाँ पे ओवेस को शायद अगर राइट साइड से उससे कवर देता स्काउट को तो बच सकते, बट एज ऑफ नाउ ही स्मोकिंग आउट। एक प्लेयर रिवाइव हो चुका है, स्काउट को भी वापस जाकर रिवाइव मिलेगा, बट सामने की टीम भी थ्री मैन स्क्वाड डाउन थी, सिर्फ आखिरी प्लेयर बचा था पेन। अब फनाटिक यहाँ पे जोन के अंदर है, यहाँ पे उनके पास कवर है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, कोई टीम पुश नहीं करेगी, और ऊपर से अगर कोई आएगा तो उनको क्लियर एक विजुअल भी मिलेगा। बट टीम नंबर 7 दे आर थ्री मैन स्क्वाड, एक प्लेयर फिनिश हो चुका है स्काउट एंड उनकी स्क्वाड के पास मेरे ख्याल से 8 या 9 किल रहने चाहिए, बिकॉज राइट साइड पे भी उन लोगों ने प्लेयर नॉकडाउन करे। टीम नंबर 14 दे आर बैक विद टू मैन स्क्वाड, शैडो ने यहाँ पे MP24 का एक शॉट मारा, महेश नॉकडाउन हुआ, वापस से यहाँ पे राइट साइड पे नॉकडाउन करते हैं फिनाटिक एश, एंड फिनिश भी करा वहां पे स्काउट ने। सो अब स्काउट ओपी एक स्मोक का कवर है बस राइट साइड से, यहाँ पे जैस ओपी बचे हुए, अब देखते हो कितनी ज्यादा प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन करते हैं, बिकॉज एश एंड ओवेस टीम आई भी यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, बाकी जैस ओपी मेरे ख्याल से फनाटिक के ऊपर दिक्कत दे सकते हैं अभी। एग्जैक्टली, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे जो जैस है आराम से पोजीशन ले सकते हैं, उनके पास रिच का कंट्रोल है, प्लस जो नॉक करे जा रहे हैं बैक टू बैक, उन्होंने नेट से स्काउट को नॉकआउट कर दिया, दिस कैन बी फेटल फॉर टीम फनाटिक। अभी अकेले अब रौनक यहाँ रिवाइव कर रहे हैं, अगर ये परफेक्ट टाइम है, ये किल फिट देखा होगा तो ये इस चीज का बेनिफिट जरूर उठाएंगे, उनको आइडिया है कि फनेटिक का एक ही प्लेयर बचा है और उसने वेस्टली उस चीज का पूरा फायदा उठाया, बिल्कुल वही करा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्रेटोस से जो बोला, एंड ये चीज करते भी है बहुत बार, बिकॉज राइट साइड में टीम नंबर 14 ने वहां पे वो 14 ईयर के फिनिश हो चुके हैं, ऊपर से किल फीड यहाँ पे बहुत प्यारी तरीके से रीड करिए आई एम के प्लेयर, उनके पास एक प्रॉपर गेम सेट एंड मैच वाला चांस है कि थ्री मैन स्क्वाड के वो लोग चिकन डिनर निकाले, बट मेहम का स्क्वाड थ्री मैन स्क्वाड आया था, 4 किल उन लोगों ने इस वाले मैच में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बना रखा है पहले से पूरी अच्छी पोजीशनिंग के साथ, एक वाइड एंगल में भी एक प्लेयर छोड़ा है। आई गेस MYM के पास अभी बहुत बेनिफिशियल पोजीशन है आफ्टर IM। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी जोन में रोटेट करने के लिए जो टीम्स हैं मतलब बिल्कुल पास पास है, लाइक इफ दे इवन मूव अ इंच किसी ना किसी प्लेयर को यहाँ पे मेहम चली जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रॉन को नॉकडाउन करा है MYM शैडो ने, तो वही क्रिएटर्स जो बोले थे एक वाइड एंगल उन लोगों ने बना रखा है जहाँ पे शैडो एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हो थ्री मैन स्क्वाड को, दो प्लेयर अपहिल जा रहे हैं जहाँ पे वो बेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, एंड यहाँ उठेंगे अगर उनके पास बूस्टर्स ना लो, बट नेक्सस ओपी वहाँ पे प्ले जोन से नॉकडाउन होते हुए, एंड सिर्फ तीन टीमें बची हुई इस वाले फाइनल जोन में, एंड जेरिफ यहाँ पे आके प्रोन डाउन हो चुके उस वाले रॉक के पीछे। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, अगर आप ज्यादा जल्दी आगे चले गए थोड़ा सा पेशेंस लेवल यहाँ पे प्लेयर का भी काउंट होगा, बिकॉज प्रिंस यहाँ पे राइट हैंड साइड से प्रोन होके बिल्कुल ही MYM के प्लेयर्स के साइड पे जाता हुआ, मेरे ख्याल से नवजोत स्पॉट कर लेगा उसे, बिकॉज सारे प्लेयर्स जो कवर रहते हैं वहां पे सबसे पहले चेक करते हैं, वहां पे ट्री का कवर और प्रिंस वहीं पे एग्जैक्ट वहीं पे, बट ऊपर नियो नाइक नॉकडाउन होते हुए IM के जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सपोज थे, बिकॉज हायर रिज में सारे प्लेयर्स की नजर पहले जाती है, एंड MYM के क्लोक ने किल कंफर्म करा, 6 टीम किल्स हो चुकी है MYM की, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंस प्रोन है, उनका जो शैडो खाया था वो प्रिंस नहीं खाया था, सो अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे ख्याल से उनको एक आइडिया रहेगा कि एक प्लेयर है, प्रिंस ने बता वहां पे बता दिया कि वो स्प्रे ट्रांसफर करके शैडो के ऊपर। एग्जैक्टली, यहाँ पे अब तीन टीम्स हैं, ओके यहाँ पे प्रिंस ने अपनी यूजी से जेरफ को नॉकआउट कर दिया है, और IM का एक और प्लेयर है पेन, और वहीं पे MYM के दो प्लेयर है, तो इट्स 2v2v2 जल्दी उठते ही वहां पे सामने वाले प्लेयर को फिनिश करा, दैट वॉज जेरफ, एंड पेन यहाँ पे अकेला बचा हुआ है IM का, एंड दिस विल बी 1v1v2 सिचुएशन जहां पे MYM के पास एक एडवांटेज है, दिस विल बी 2v1 सिचुएशन, नवजोत नॉकडाउन होते हुए क्लोक इज द लास्ट मैन स्टैटिक, बट ही गॉट दैट विनर विनर चिकन डिनर। एंड जब हम बात करते स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्रैट ही बता रहे थे कि MYM के चौथे बंदे को आना चाहिए, बट इफ दे वर